बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में हिंदी विषय में क स ई, अंग्रेजी विषय में सिंग अ लिटिल स्माइल अ लिटिल, कक्षा 2 में गणित विषय में 10 के बंडल भाग 2, कक्षा 3 में गणित विषय में 2 अंकों की संख्याओं की जोड़ व घटाव, कक्षा 4 में पर्यावरण ईवीएस विषय में बचपन की यादें व कक्षा 5 गणित विषय में गुणा भाग 1। कैसे हो मेरे दोस्तों? अच्छे। चलो आज हम घर में ही सीखेंगे। आज हम विषय हिंदी कक्षा 1 का पाठ वर्ण क स ई पढ़ेंगे। पाठ में दिए चित्रों पर बात करेंगे। चित्रों के नीचे लिखी संदर्भ पंक्तियों को पढ़ेंगे। पंक्तियों को पढ़कर कुंजी शब्द का उच्चारण करेंगे। कुंजी वर्ण से नए शब्द बनाएंगे। तो चलो दोस्तों, आज घर पर ही हम सीखते हैं। आप अपनी हिंदी की पुस्तक निकालिए और मेरे साथ पढ़िए। अब मैं पहला वर्ण पढ़ता हूँ। क। क से कमल। हाँ हाँ, मेरे साथ दोहराओ। क। क से कमल। कमल है देखो कितना प्यारा, कीचड़ में खिलता वह न्यारा। हाँ, एक बार आप मेरे साथ दोहराइए। कमल है देखो कितना प्यारा, कीचड़ में खिलता वह न्यारा। दोस्तों, अब मैं दूसरा वर्ण पढ़ता हूँ। स। स से सड़क। आप भी साथ पढ़िए। स। स से सड़क। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर जाती मोटर दौड़ी। हाँ हाँ, एक बार मेरे साथ दोहराओ। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर जाती मोटर दौड़ी। बहुत अच्छा मेरे दोस्तों। अब मैं अगला वर्ण पढ़ता हूँ। ई। ई से ईख। हाँ हाँ, मीठी होती है ना ईख। ई से ईख। ईख होती बड़ी रसीली, टेढ़ी मेढ़ी गांठ गठीली। हाँ हाँ, एक बार फिर मेरे साथ दोहराओ। ई से ईख। ईख होती बड़ी रसीली, टेढ़ी मेढ़ी गांठ गठीली। दोस्तों, द में बड़े ई की मात्रा लगती है तो बनता है दी। दी से दीदी। हाँ हाँ, दीदी से राखी बंधवाता, देख बहन को वह मुस्काता। एक बार फिर दोहराओ। दीदी से राखी बंधवाता, देख बहन को वह मुस्काता। हाँ दोस्तों, अब इसे भी सुनो और मेरे साथ बोलो। कमल, जाल, ईख, दीदी, कमरा, सब, ताई, मामी, दादी, आई, इमली, खाई। बहुत अच्छा मेरे दोस्तों। अब
इसे भी मेरे साथ पढ़ो और बोलो, खराब, मीन, बात, कब, साल, चील, नीला, लाली, ईमान, खीरा, इकाई, ईसा। दोस्तों, इसे भी सीखो, ईख, ला, इमली, सबक, सीख, चटाई, रख, दादी, आई। दोस्तों, जो हमने सीखा, समझा और जाना, अब उसको लिखने की बारी है। तो निकालो अपनी कॉपी पेन और इन शब्दों को देख करके अपनी कॉपी में लिखो। इस चित्र को देखो और अपनी कॉपी में बनाओ, अपने मनपसंद रंग भी भरो। दोस्तों, मुझे मालूम है आपने सारे वर्ण अच्छे से पढ़े होंगे। अब आप ये वर्ण अपने घर वालों को भी पढ़कर सुनाइएगा। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा एक में अंग्रेजी विषय में सिंग अ लिटिल स्माइल अ लिटिल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्लास वन की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर टू, जो कि यूनिट वन से लिया गया है। ये एक सॉन्ग है जिसका नाम है सिंग अ लिटिल स्माइल अ लिटिल। तो आओ बच्चों, सबसे पहले इस सॉन्ग को, इस गाने को एंजॉय करते हैं। तो सारे के सारे बच्चे मेरे साथ के साथ ये गाना गाएंगे। Sing a little, smile a little, do this every day. Sing a little, smile a little, do this every day. Love a little, laugh a little, do this every day. Love a little, laugh a little, do this every day. तो बच्चों, आपने देखा कि बच्चे कैसे गा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और हंस रहे थे। तो यहीं पर कहा है सिंग अ लिटिल स्माइल अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। तो हमें हमेशा थोड़ा सा गाते रहना चाहिए। तो सिंग अ लिटिल, सिंग का मतलब होता है गाना और स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। तो स्माइल अ लिटिल। फिर डू दिस एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है रोज़ाना। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि हम एक ही दिन मुस्कुराएंगे, हमें रोज़ गाना और मुस्कुराना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें लव अ लिटिल लाफ अ लिटिल मीन्स हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और खूब हंसना चाहिए। तो लाफ मीन्स हंसना। डू दिस एवरी डे, और ये हमें रोज़ाना करना चाहिए। तो बच्चों, समझ आया आपको कि हमें रोज़ खुश रहना चाहिए और सबको भी खुश रखना चाहिए। तो आप भी रोज़ ये गाना गाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे और सबको खुश रखेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा दो में गणित विषय में 10 के बंडल भाग दो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लिली, बिली और उनकी गौरी मैम की प्यारी बातों से 10 को अलग अलग तरीके से लिखना सीखेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। लिली बिली, आपको 10 के बंडल बनाना अच्छे से आ गया ना? हाँ मैम। बच्चों, चलो आज मैं आप सबको 10 को अलग अलग तरीके से कैसे लिखते हैं वह समझाती हूँ। देखो, मैं इन स्टिकर्स में से कुछ स्टिकर्स को अलग अलग तरीके से दूसरे कार्ड पर लगाऊंगी। अब मेरे पास
स्टिकर्स लगाए हुए तीन कार्ड्स है। देखो यहाँ पहले कार्ड में पहली लाइन में 6, दूसरी लाइन में 2 और तीसरी लाइन में 2 स्टिकर्स है। तो यहाँ 6 में 2 जोड़ने से 8 मिलेंगे और 8 में 2 जोड़ने से 10 मिलेंगे। इस कार्ड में 10 कूल स्टिकर्स है, तो इस 10 का जोड़ हम ऐसे लिखेंगे, 6 योग 2 योग 2 बराबर 10 स्टिकर्स। चलो लिली, अब ये बताओ कि दूसरे कार्ड में कुल कितने स्टिकर्स है? 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, तो इसमें कुल मिलाकर 10 स्टिकर्स है। शाबाश लिली, अब ये बताओ कि यहाँ 10 का जोड़ कैसे लिखेंगे? दूसरे कार्ड में पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में 4 और तीसरी लाइन में 3 स्टिकर्स है, तो यहाँ 3 योग 4 योग 3 बराबर 10 स्टिकर्स लिखेंगे। वेरी गुड लिली। चलो बिली, अब तुम बताओ कि तीसरे कार्ड में कितने स्टिकर्स है? 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6 स्टिकर्स है। बिली, 6 स्टिकर्स में और कितने स्टिकर्स जोड़ने से 10 स्टिकर्स होंगे? 6 स्टिकर्स में 7, 8, 9 और 10 यानी 4 स्टिकर्स जोड़ने से कुल 10 स्टिकर्स होंगे। शाबाश बिली। लिली, अब तुम बताओ कि यहाँ 10 का जोड़ कैसे लिखेंगे? इस कार्ड में पहली लाइन में 5, दूसरी लाइन में 1 और तीसरी लाइन में 4 स्टिकर्स है, तो यहाँ 5 योग 1 योग 4 बराबर 10 स्टिकर्स लिखेंगे। शाबाश लिली। हाँ तो बच्चों, आज हमने सीखा कि 6 में 2 और 2 जोड़ने से 10 होते हैं, 3 में 4 और 3 जोड़ने से 10 होते हैं, और 5 में 1 और 4 जोड़ने से भी 10 ही होते हैं। तो आप ऐसे 10 को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हाँ मैम, 10 को अलग अलग तरीके से कैसे लिखना है यह हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, याद रखना, अब मैं चलती हूँ। बाय मैम। आज हमने 10 को अलग अलग तरीके से लिखना सीखा। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 3 में गणित विषय में 2 अंकों की संख्याओं की जोड़ व घटाओ। बच्चों, आज हम 2 अंकों की संख्याओं की जोड़ अध्याय पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि हमने पहले अध्याय में देखा, बांस की टोकरियां बनाने वाले परिवार को डंडियों का ऑर्डर मिला, लेकिन वह 100 से आगे की संख्या नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ बंडल बनाए। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से 2 अंकों की संख्याओं को वह जोड़ते हैं। चलो जरा देख तो सही, इन दोनों बंडलों में कितनी डंडियां हैं? एक बंडल बराबर 10 डंडियां, 2 बंडल बराबर 10 जोड़ 10 बराबर 20 डंडियां। शालू, इन 4 बंडलों में कितनी डंडियां हैं? एक बंडल बराबर 10 डंडियां, 4 बंडल बराबर 4 बार 10 बराबर 40 डंडियां। शालू, 3 बंडलों में 6 डंडियां जोड़कर कितनी डंडियां होगी? 3 बंडल जोड़ 6 डंडियां बराबर 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 6 बराबर 36 डंडियां।
बच्चों आज हम घटाव अध्याय पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले के दो पाठों में जैसे आपने सीखा बांस की टोकरियां बनाने वाले परिवार को डंडियों का ऑर्डर मिला और वह दो अंकों तक की संख्याओं में जोड़ सीखते हैं। अब हम सीखते हैं किस तरह से वह घटाव करते हैं। शालू इस बंडल में चार डंडियां अच्छे से नहीं कटी, हमें वह ठीक से काटकर बंडल तैयार करना होगा। वह चार डंडियां निकाल कर बंडल में कितनी डंडियां बचेगी? शालू कहती है एक बंडल बराबर 10 डंडियां, तो 10 डंडियां घटाव 4 डंडियां बराबर 6 डंडियां बचेगी। तो बच्चों देखते हैं कुछ और उदाहरण। 86 डंडियां घटाव 14 डंडियां बराबर कितनी डंडियां होगी? हाँ 72 डंडियां। अठानवे डंडियां घटाओ 42 डंडियां बराबर कितनी डंडियां? हाँ 56 डंडियां। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 4 में पर्यावरण ईवीएस विषय में बचपन की यादें। आज हम अपना परिवेश पर्यावरण अध्ययन में पाठ 1 बचपन की यादें पढ़ेंगे। अनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गई और नाना नानी उसे देखकर बहुत खुश हुए। मामा जी का बेटा अंकुर और अनीता हम उम्र हैं। अनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती हैं। उनकी बेटी सुनीता भी छुट्टियां मनाने नाना नानी के घर आ गई। सब बच्चे बहुत खुश हैं। नानी जी उन्हें प्यार से रोज आम खाने को जो देती हैं। अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया है। हाँ नानी जी माँ अचार बहुत अच्छा बनाती हैं। पड़ोस वाली चाची भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती हैं। नानी जी आपने माँ को और क्या क्या सिखाया? बेटा तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तब मैं उन्हें ज्यादा काम नहीं बताती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गईं, मैंने तुम्हारी माँ मामा और मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वे मेरी मदद करते करते काम सीख गए। नानी जी माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए ही कहती हैं। आप भी ऐसा ही करती थी क्या? हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। फिर भी समय समय पर मैं भी सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी।
नानी जी, आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? बेटा, मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, फिर घर और खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी, वह पढ़ने के साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। तभी सुनीता एल्बम लेकर आ जाती है और सभी एल्बम देखने लगते हैं। अनीता, देखो ये तुम्हारी माँ, और सुनीता ये तुम्हारी। नानी जी, मेरी माँ ने तो फूलों वाली फ्रॉक पहनी है, यह कितनी सुंदर है। और नानी जी, ये आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है। यह फोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसाजी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी यह फोटो बताऊंगी। यह फोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है। देखो, ये तुम्हारे मामा जी दूल्हा बने हुए, और ये हमारा पूरा परिवार, हम सब ने एक साथ फोटो खिंचवाई थी तुम्हारे मामा की शादी पर। इस तरह सभी फोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। बच्चों, रिश्ते हैं अनमोल, समझो इनका मोल। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 5 में गणित विषय में गुणा भाग 1। बच्चों, आज हम कक्षा 5 के अध्याय 3 गुणा भाग की प्रश्नावली 3.1 के 3-3 अंकों वाली संख्याओं के गुणा के प्रश्नों को हल करना समझेंगे। 286 गुणा 125, इसको हम मानक विधि जो पाठ्यपुस्तक में दी हुई है उस तरीके से करते हैं। नीचे वाली संख्या जो 125 है, इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। विस्तारित रूप में संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान जोड़ का चिन्ह लगाते हुए लिखते हैं। इसमें एक सैकड़े की संख्या है तो एक का स्थानीय मान 100, दो दहाई की संख्या है, दो का स्थानीय मान 20, और 5 इकाई की संख्या है तो 5 का स्थानीय मान 5। अब 286 को पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर 20 से गुणा करेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे। 286 और 5 को गुणा करना है। 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 5 छके 30 की 0 हासिल 3, फिर 5 को 8 से गुणा करेंगे, 5 अटे 40 और 3 43, 43 में इकाई का अंक यहाँ लिखेंगे और दहाई का अंक 4 हासिल लगाएंगे। फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 4 हासिल वाला उसमें जोड़ेंगे तो 14। अब 286 और 20 को गुणा करना है। 20 की 1 शून्य हम यहाँ लिख देंगे। अब 2 को 6 8 2 से गुणा करना है। 2 को 6 से गुणा करने पर 2 छक्के 12, इकाई का अंक 2 ऊपर लिख दिया, 1 हासिल। अब 2 8 16 और 1 हासिल का 17, 17 में इकाई का अंक 7 यहाँ और एक हासिल करा जाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5। अब 286 और 100 को गुणा करना है। 100 की 2 0 पहले ही लिख लेंगे। अब 1 को 6 से गुणा किया तो 6, 1 को 8 से गुणा करने पर 8 और 1 को 2 से गुणा करने पर 2। गुणा में संख्याओं को लिखने में एक एक अंक के नीचे एक एक अंक लिखना चाहिए ताकि जोड़ने में उत्तर सही प्राप्त हो। शून्य शून्य को जोड़ेंगे, शून्य 3 और 2 और शून्य 5,
चार और सात ग्यारह, ग्यारह और छः सत्रह, सत्रह के सात इकाई का अंक नीचे दाई वाला अंक एक बाईं तरफ की लाइन पे ऊपर हासिल जोड़ दिया जाएगा। तो एक को एक में हासिल जोड़ेंगे तो दो, दो और पाँच सात, सात और आठ पंद्रह, पंद्रह के पाँच हासिल, एक को अगली लाइन में जोड़ेंगे दो में तो दो और एक तीन हो गए 35,750 गुणा में जिन दो संख्याओं को गुणा किया जाता है। यदि उनमें से किसी एक संख्या का गुणनफल में भाग लगाया जाए तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है। प्रश्न दो, देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा कीजिए। 436 गुणा 500, 500 में शून्य के अतिरिक्त केवल एक अंक है तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। दो शून्य पहले लिख देंगे, अब पाँच को छः, तीन और चार से गुणा करना है। पाँच को छः से गुणा किया तो पाँच छः के तीस, तीस की शून्य और दहाई का अंक हासिल लगाए तीन। पाँच को तीन से गुणा करेंगे तो पाँच तीन पंद्रह और तीन अठारह, अठारह में इकाई का अंक आठ, दहाई का अंक एक हासिल। फिर पाँच को चार से गुणा करेंगे, पाँच हो गए बीस और एक इक्कीस, 218,000। प्रश्न तीन, एक पैकेट में 225 टॉफियां आती है, ऐसे 45 पैकेट में कितनी टॉफियां आएंगी ज्ञात कीजिए। यदि प्रश्न में एक वस्तु की मात्रा मूल्य या मान दिया हुआ हो और अधिक की मात्रा मूल्य या मान ज्ञात करना हो तो उसे गुणा द्वारा हल किया जाता है। इसमें एक पैकेट में टॉफियों की संख्या है 225, हमें 45 पैकेट की टॉफियों की संख्या ज्ञात करनी है तो 225 और 45 को गुणा करना है। पाँच को पाँच से गुणा करेंगे, पाँच पंजे 25, 25 में इकाई का अंक नीचे लिखेंगे पाँच और दहाई का अंक दो हासिल। फिर पाँच को दो से गुणा करेंगे, पाँच दूनी 10, 10 में दो हासिल का जोड़ेंगे तो 12, 12 में भी इकाई का अंक दो यहाँ लिखेंगे और दहाई वाले अंक एक को हासिल लगा देंगे। फिर पाँच को इस दो से गुणा करेंगे, पाँच दूनी 10 और एक 11, अब पूरी 11 लिखे जाएंगे, कोई संख्या हासिल नहीं लगेगी क्योंकि इस दो के आगे अब कोई संख्या नहीं है। अब चार को 225 से गुणा करना है तो दूसरी लाइन में इकाई के स्थान पर क्रॉस लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। अब जो संख्या आएगी वो दहाई के स्थान से यानी दो के नीचे से शुरू करेंगे लिखना। तो चार को इकाई के अंक पाँच से गुणा करना है, फिर दहाई के वाले दो से गुणा करना है, फिर सैकड़े के दो से गुणा करना है। तो चार को पाँच से गुणा करते हैं, चार बन जाए 20, 20 में इकाई का अंक शून्य नीचे लिख देंगे और दहाई का अंक दो हासिल लगा देंगे। अब चार को दहाई वाले दो से गुणा करेंगे, चार दूनी 8 और दो 10, 10 में इकाई का अंक शून्य नीचे लिखेंगे और दहाई वाले अंक एक को हासिल लगा देंगे। अब चार को सैकड़े वाले दो से गुणा करेंगे तो चार दूनी 8 और एक हासिल जोड़ेंगे तो 9, 9 को इस एक के नीचे लिखेंगे। पाँच के नीचे कुछ नहीं है, पाँच, दो और शून्य दो, एक और शून्य एक, एक और नौ 10। 45 पैकेट में 10,125 टॉफियाँ होंगी। प्रश्न छः, एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है तो 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यह भी वैसा ही प्रश्न है, एक कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है 678 रुपये तो 296 कुर्सियों का मूल्य हमें ज्ञात करना है। गुणा होगा, पहले 6 को 8, 7, 6 से गुणा करना है, 6 को 8 से गुणा करेंगे तो 6 × 8 = 48, इकाई के 8 यहाँ लिखे जाएंगे और हासिल 4। फिर 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 × 7 = 42 और 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46, 46 में इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 4 हासिल। अब 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 × 6 = 36 और 4 = 40, अब पूरी संख्या 40 लिख देंगे। 6 के बाद अब 9 को 8, 7, 6 से गुणा करना है तो सबसे पहले तो अगली लाइन में इकाई के स्थान पर क्रॉस लगा देंगे। अब 9 को 8 से गुणा करेंगे, 9 × 8 = 72, 72 में इकाई का अंक 2 हासिल 7। अब 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 × 7 = 63, 63 में हासिल वाले 7 जोड़ेंगे तो 70 हो गए, 70 में इकाई का अंक शून्य नीचे और दहाई का अंक 7 हासिल लगा देंगे। फिर 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 × 6 = 54, 54 में 7 और जोड़ेंगे तो 61, 61
अब दो को आठ सात और छः से गुणा करना है। पहले तीसरी लाइन में इकाई और दहाई दो स्थान पर कौन से लगाएंगे, दो को आठ से गुणा करेंगे, दो अट्ठे सोलह के छः इकाई का अंक यहाँ और दहाई का अंक एक हासिल। दो को सात से गुणा करेंगे, दो सत्ते चौदह और एक हासिल वाला जोड़ेंगे तो पंद्रह, पंद्रह में इकाई का अंक पाँच यहाँ लिख दिया और दहाई वाला एक हासिल। दो को छः से गुणा करेंगे, दो छक्के बारह और एक हासिल का जोड़ेंगे तो तेरह, तेरह में तीन छः के नीचे आएगा और एक इधर आएगा। अब इनको जोड़ेंगे, आठ के नीचे कुछ नहीं है तो आठ, छः और दो आठ, शून्य शून्य और छः ये छः ही होंगे, चार और एक पाँच और पाँच दस, इसमें दो अंक हो गए तो इकाई वाला अंक शून्य यहाँ लिखेंगे और दाई के स्थान वाला अंक एक, इससे बाईं तरफ की लाइन पर हासिल जोड़ देंगे तो एक को इसमें हासिल जोड़ेंगे छः में तो सात और तीन दस, दस में फिर इकाई का अंक शून्य नीचे और दाई वाले अंक को बाईं तरफ की लाइन पर हासिल जोड़ेंगे तो एक में एक हासिल वाला जोड़ने पर हो गए दो। 296 कुर्सियों का मूल्य 2,688 रुपये है। इन हल किए हुए प्रश्नों के आधार पर आप प्रश्नावली 3.1 के बाकी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा एक में हिंदी विषय में क स ई, अंग्रेजी विषय में सिंग अ लिटिल स्माइल अ लिटिल, कक्षा दो में गणित विषय में 10 के बंडल भाग दो, कक्षा तीन में गणित विषय में दो अंकों की संख्याओं की जोड़ व घटाओ, कक्षा चार में पर्यावरण ईवीएस विषय में बचपन की यादें व कक्षा पाँच में गणित विषय में गुणा भाग एक। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा एक में हिंदी विषय में ग उ य, कक्षा दो में अंग्रेजी विषय में स्वामी विवेकानंद, कक्षा तीन में हिंदी विषय में शिष्टाचार व कक्षा पाँच में गणित विषय में गुणा भाग दो। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, स्टरलाइट एट इंडिया फाउंडेशन, इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के शिक्षिका श्रीमती आशा रानी सुमन जी, श्रीमती डॉक्टर सुषमा सिंह जी, श्रीमती पूनम कुमारी जी, श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एट इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 313001।